हरी एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी फोर्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये जो पार्ट है, अगेन इट इज़ वेरी वेरी इजी। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आप लोग को डिफ़िकल्ट लगे। बहुत सारे बच्चों के कॉमेंट्स आ रहे थे कि मैम इसके बाद वाला पार्ट जो है चैप्टर का वो बहुत डिफ़िकल्ट है, बट इट इज़ नॉट सो। इसके बाद वाला पार्ट जो है ये बहुत ज़्यादा ईजी है। तो आज के वीडियो को मैं 5 सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ाऊंगी। सेक्शन नंबर 1 आई विल टेल यू अबाउट जर्मनी। सेक्शन नंबर 2 I will tell you about Italy. सेक्शन नंबर 3 आई विल टेल यू अबाउट ब्रिटेन। सेक्शन नंबर 4 मैं आप लोग को नेशन विजुलाइजिंग द नेशन के बारे में बताऊंगी, एंड देन उसके बाद मैं आप लोगों को नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म के बारे में बताऊंगी। तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो बिफोर वॉचिंग इट, बिकॉज आज के वीडियो में चैप्टर खत्म हो रहा है, राइट? 1848 में जर्मन के जो लोग थे वो चाहते थे कि जर्मन की छोटी छोटी कॉन्फेडरेशंस, दैट इज़ जर्मन जो था वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड था, तो जर्मन के सारे लोग चाहते थे कि जर्मन जो है वो फुल नेशन स्टेट बन जाए। नेशन स्टेट मतलब कि एक ऐसी कंट्री जिसके कॉमन लैंग्वेज, कॉमन ट्रेडिशंस, कॉमन कल्चर हो। तो जर्मन छोटी छोटी कॉन्फेडरेशंस में डिवाइडेड था, तो जर्मन के लोग चाहते थे कि जर्मन का एक इलेक्टेड पार्लियामेंट हो और इस तरीके से पूरा जर्मन यूनाइटेड होकर एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। ओके, लोगों के अंदर लिबरलिज्म की फीलिंग थी। लिबरलिज्म मतलब फ्रीडम की फीलिंग थी, ठीक है? तो सब लोग जो है वो नेशन बिल्डिंग चाहते थे, मतलब सब लोग चाहते थे कि नेशन स्टेट बन जाए। तो जैसे जैसे सब लोग चाह रहे थे कि नेशन स्टेट बन जाए, सब लोग इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, बट लोगों का जो स्ट्रगल है वो मोनार्की, मिलिट्री और जंकर्स ने रिप्रेस कर दिया। रिप्रेस मतलब दबा देना, ठीक है? लोग जो हैं वो थोड़े कम पावरफुल थे, बट मोनार्की, मिलिट्री और जंकर्स जो थे वो ज़्यादा पावरफुल थे। जंकर्स मतलब कि लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, लैंड ओनर्स, राइट? जंकर्स बहुत पावरफुल लोग थे उस टाइम पे, क्योंकि जंकर्स बहुत बड़े बड़े लैंड को ओन करते थे। तो जैसे ही जर्मनी के अंदर लोग स्ट्रगल कर रहे थे, उस स्ट्रगल को मोनार्की, मिलिट्री और जंकर्स ने रिप्रेस कर दिया, ठीक है? उसके बाद से प्रूशिया ने डिसाइड किया कि अब जर्मन को एक फुल नेशन स्टेट बनाने का जो वी कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रूशिया लेगा। तो प्रूशिया जो है उसका चीफ मिनिस्टर था जिसका नाम था ओटोन वोन बिस्मार्क। ओटोन वोन बिस्मार्क ने ये अनाउंसमेंट किया कि प्रूशिया जो है वो लीडरशिप लेगा और प्रूशिया जर्मन को एक नेशन स्टेट बना के ही रहेगा। ओटोन वोन बिस्मार्क प्रूशिया का चीफ मिनिस्टर था और इसीलिए ही ओटोन वोन बिस्मार्क को आर्किटेक्ट बोलते हैं, लाइक जर्मन को नेशन स्टेट बनाने का आर्किटेक्ट बोलते हैं ओटोन वोन बिस्मार्क को, ठीक है? बेसिकली क्या हुआ था, ओटोन वोन बिस्मार्क ने प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से ये पूरा प्रोसेस जो है वो कैरी आउट करवाया। प्रूशियन आर्मी तो मतलब आप लोग को पता होगा, ऑल्सो यू कैन सी दिस इमेज ऑन योर स्क्रीन। उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी मतलब कि लोकल स्टेट ऑफिशियल्स को बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। नौ ब्यूरोक्रेसी जो है वो किसी इंसान का नाम नहीं है। नॉन इलेक्टेड लीडर्स जो हैं वो जब मिलकर एक गवर्नमेंट बना देते हैं तो उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो उन ब्यूरोक्रेटिक लीडर्स की हेल्प ली थी ओटोन वोन बिस्मार्क ने। उसके अलावा उसने प्रूशियन आर्मी की भी हेल्प ली थी जर्मन को एक नेशन स्टेट बनाने में और जर्मन को यूनिफाई करने में। प्रूशिया ने 7 साल में 3 वॉर्स लड़े ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से। उसके बाद एक दिन ऐसा आया जब फाइनली प्रूशिया जो है उसने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस तीनों को हरा दिया और प्रूशिया जीत गया। इस तरीके से जो जर्मन है उसका पार्लियामेंट बना। 18 जनवरी 1871 को जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं प्रूशिया के और जर्मन के, दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आर्मी, प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट्स, इंपॉर्टेंट प्रूशियन मिनिस्टर्स, उसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर है ओटोन वोन बिस्मार्क जिसने सब चीज़ें करवाई थी, जो कि आर्किटेक्ट था जर्मनी का, ठीक है, वो सब के सब लोग पैलेस ऑफ वर्सालीज में गए। पैलेस ऑफ वर्सालीज में एक जगह है जिसका नाम है हॉल ऑफ मिरर्स, ठीक है? वहाँ पर उन लोगों ने जर्मन का एक इलेक्टेड पार्लियामेंट बनाया और किंग विलियम वन को जर्मन एम्परर
प्रोक्लेम किया, ठीक है। प्रोक्लेम करने का मतलब कि अनाउंस करना, किसी भी चीज़ को पब्लिकली अनाउंस करने का मतलब बोलते हैं प्रोक्लेम करना, ठीक है। तो उस दिन दैट इज़ 18 जनवरी 1871 को किंग विलियम वन को एक पूरे के पूरे जर्मन का एम्परर बनाया गया, और इस तरीके से जर्मन जो है वो नेशन स्टेट बन गया और यूनिफाई हो गया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया प्रूशिया का कितना इंपॉर्टेंट रोल था जर्मनी को नेशन स्टेट बनाने में, राइट, क्योंकि प्रूशिया ने ही जर्मनी को यूनिफाई किया था, क्योंकि प्रूशिया की हेल्प से ही पूरा जर्मनी नेशन स्टेट बना था। तो उसके बाद जर्मनी में जो भी डेवलपमेंट हुए, दैट इज़ करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम, इन सब के सब चीज़ों पे प्रूशियन लोगों का, दैट इज़ प्रूशिया का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस था, ठीक है। प्रूशिया जो था वो हर जर्मनी के डिसीजन में बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता था, क्योंकि ऑब्वियसली प्रूशिया ने ही जर्मनी को नेशन स्टेट बनाया है। तो इस तरीके से आगे जब जर्मनी चलने लगा तो प्रूशिया के मेजर्स और प्रैक्टिसेस जो हैं वो जर्मनी के लिए मॉडल बन गए, राइट। ऑफन बिकेम अ मॉडल मतलब कि अगर मैं जनरल लाइफ की बात करूं तो अगर मैं बोलूं कि ये एक रोल मॉडल है या फिर ये एक मॉडल है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उस चीज़ को सब लोग एग्जांपल मानेंगे और उस चीज़ की बात सब लोग मानेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रूशिया जो है वो मॉडल बन गया था पूरे के पूरे जर्मनी का, राइट। ये थी छोटी सी जर्मनी की स्टोरी। उसके बाद आप लोग की बुक में इटली की स्टोरी बता रखी है। इटली जो था उस टाइम पे बहुत सारी छोटी छोटी डायनेस्टिक स्टेट्स में फैला हुआ था, दैट इज़ इटली के बहुत छोटे छोटे पार्ट्स थे। डायनेस्टिक स्टेट्स मतलब कि ऐसे छोटे छोटे पार्ट थे जिनको डायनेस्टीज रूल करती थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये छोटा सा पार्ट है, ठीक है, इसको कोई डायनेस्टी रूल कर रही है। डायनेस्टी मतलब कि कोई भी रॉयल फैमिली जो पीढ़ियों से एक एरिया को रूल कर रही हो, ओके। तो इटली जो है वो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था, उन 7 पार्ट्स को अलग अलग डायनेस्टिक स्टेट्स जो है वो रूल कर रहे थे। जितने भी डायनेस्टिक स्टेट्स जो हैं वो इटली को रूल कर रहे थे उसके अंदर से एक के अलावा कोई भी इटली का नहीं था, ओके। सार्दिनिया पीडमोंट जो है उसको इटली प्रिंसली हाउस रूल करता था, प्रिंसली हाउस मतलब कि कोई भी रॉयल फैमिली। और उन 7 स्टेट्स के अंदर से सिर्फ एक ही रीजन को इटली प्रिंसली हाउस रूल करता था, बाकी जो 6 थे उनको अलग अलग डायनेस्टिक स्टेट्स रूल कर रहे थे। इसका एग्जांपल आप लोग की बुक में दे रखा है, नॉर्थ जो है वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर था, सेंटर जो है उसको पोप रूल कर रहे थे, सदर्न रीजन जो है उनको बर्बन किंग्स रूल कर रहे थे, ओके। तो इटली की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया 7 डायनेस्टिक स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिसके अंदर उन 7 को अलग अलग डायनेस्टिक लोग रूल कर रहे थे, जिसके अंदर से सिर्फ एक इटली प्रिंसली हाउस रूल कर रहा था, बाकी सब जो हैं वो अलग अलग ही थे, ओके। इटली के अंदर इतनी बुरी हालत थी कि इटालियन लैंग्वेज जो है उसने भी कोई कॉमन फॉर्म नहीं एक्वायर की थी, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इटालियन लैंग्वेज बोल रहे हों, ठीक है। अलग अलग रीजन्स में लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे इटली में, तो कोई ऐसे नेशनल टूल नहीं था जिसकी हेल्प से इटली को यूनिफाई किया जा सके, ओके। 1830 में जिप्सी मजीनी जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम था यंग इटली, ठीक है। और उनका बेसिक एजेंडा यही था कि इटली को यूनाइट कर दें और एक यूनाइटेड इटलियन स्टेट बना दें, ठीक है, एक नेशन स्टेट बना दें पूरे के पूरे इटली के डायनेस्टीज़ को मिला करके, ठीक है। तो जो जिप्सी मजीनी है उन्होंने बहुत ट्राई किया, ठीक है, बट 1831 और 1848 में जो उनकी टेक्निक्स थी, दैट इज़ जिप्सी मजीनी जो है वो हमेशा रिवोल्यूशनरी मेथड्स अपनाते थे, तो जो भी उनकी टेक्निक्स थी वो 1831 और 1848 में इतनी अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाई, राइट। आप लोग की बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है डिसिमिनेशन, डिसिमिनेशन मतलब कि फुलफिलमेंट, राइट। जिप्सी मजीनी ने अपने गोल के फुलफिलमेंट के लिए, उनका गोल क्या था कि इटली जो है वो यूनाइट हो जाए, ठीक है, तो जिप्सी मजीनी ने अपने गोल के फुलफिलमेंट के लिए एक सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था यंग इटली, ओके। बट वो जो सोसाइटी है वो दोनों बार फेल हो गई, 1831 में और 1848 में। अब मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया था कि इटली जो है वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, उन सबको अलग अलग रूलर जो है वो रूल कर रहे थे, राइट। बट उसके अंदर से एक ही पार्ट था, दैट इज़ सार्डिनिया पीडमोंट, वो जो पार्ट
था उसको इटालियन प्रिंसली हाउस रूल कर रहा था. प्रिंसली हाउस मतलब कि कोई भी रॉयल फैमिली, राइट. तो वो एक ही पार्ट था जिसको कोई इटालियन प्रिंसली हाउस रूल कर रहा हो. तो इस तरीके से इटली को यूनिफाई करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सार्डिनिया पीडमोंट के किंग, दैट इज किंग विक्टर इमैनुअल टू पे आ गई. ओके उन किंग पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए आई क्योंकि इटली जो है वो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था और वही अकेले थे जो कि कोई इटालियन है, ठीक है, वो कोई इटालियन है और किसी स्टेट को रूल कर रहे हैं. तो इसलिए सब लोगों ने सोचा कि अब इटली को किंग विक्टर इमैनुअल टू ही यूनिफाई कर सकते हैं, राइट. तो देखो इसके बाद की जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आती है, बट इसके बाद आप लोग की बुक में बताया गया है कि वो जो 7 स्टेट्स थे उनके अलग अलग पार्ट्स में जाकर कैसे सार्डिनिया पीडमोंट के चीफ मिनिस्टर केवर ने सब लोगों को हटा दिया और इस तरीके से इटली को यूनिफाई कर दिया. देखो मैं वापस रिपीट करती हूँ, सार्डिनिया पीडमोंट जो है वहाँ का जो किंग है, ठीक है, उसका नाम मैंने आप लोग को बता दिया, किंग विक्टर इमैनुअल टू, ठीक है. लेकिन वहाँ का एक चीफ मिनिस्टर था जिसका नाम था केवर, ठीक है. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इटली को यूनिफाई करने की वो केवर के हाथ में थी. तो केवर ने क्या किया, सबसे पहले तो आप लोग की बुक में केवर का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है. आप लोग की बुक में बताया गया है कि इटालियन एलीट था वो. एलीट मतलब कि थोड़े से हटके लोग, थोड़े से अमीर लोग, ठीक है. तो इटालियन एलीट था वो और वो बहुत अमीर था और एडुकेटेड था. ओके वो फ्रेंच बोलता था और इटालियन थोड़ी कम बोलता था. इटली में बेसिकली ये कल्चर था कि जितने भी अमीर लोग हैं वो फ्रेंच बोलेंगे. ओके आप लोग की बुक में बताया गया है कि जो केवर है वो सार्डिनिया पीडमोंट का चीफ मिनिस्टर था और वो रिवोल्यूशनरी भी नहीं था और डेमोक्रेट भी नहीं था. डेमोक्रेट मतलब कि जो डेमोक्रेसी फॉलो करे और रिवोल्यूशनरी मतलब कि जो कि पॉलिटिकल रिवोल्यूशन करवाए, ठीक है. तो उसके आइडियाज़ ना तो डेमोक्रेसी के थे ना कोई पॉलिटिकल रिवोल्यूशन कराने के थे. उसने अलग अलग पार्ट्स में जाके अलग अलग तरीक़ों से जो अलग अलग डायनेस्टिक किंग्स हैं उनको भगाया, राइट. उसने बेसिकली क्या किया, सबसे पहले उसने एक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलाइंस बनाई फ्रांस के साथ. ओके अगर कुछ भी डिफ़िकल्ट इश्यूज़ को कोई बहुत इजीली सॉल्व कर लेता है, बहुत स्किल लगा के सॉल्व कर लेता है, तो इस चीज़ को बोलते हैं टैक्टफुल. इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी इटली में, उसके बाद भी जो केवर थे उन्होंने एक टैक्टफुल मतलब कि बहुत स्किलफुली, बहुत अच्छी तरीके से दिमाग लगाकर फ्रांस के साथ एक डिप्लोमेटिक अलाइंस बना ली. डिप्लोमेटिक अलाइंस मतलब कि बेसिकली अपने फ़ायदे के लिए कुछ चीज़ करने को बोलते हैं डिप्लोमेटिक. डिप्लोमेटिक के और भी बहुत सारे मतलब होते हैं लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का यही मतलब है. तो केवर ने फ्रांस के साथ एक अलाइंस बना ली. अलाइंस मतलब कि किसी का साथ देना. ओके केवर ने एक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलाइंस बना ली फ्रांस के साथ. ओके जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि नॉर्थ में जो थे वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के जो लोग हैं वो रूल कर रहे थे, ठीक है. तो जैसे ही केवर ने ये टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलाइंस बनाई फ्रांस के साथ, उसके बाद ये लोग सब जाकर 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस के साथ लड़े और उसके बाद ये जो लोग थे, दैट इज़ इनकी जो अलाइंस थी फ्रांस के साथ, जो केवर ने अलाइंस बनाई थी, ये जीत गए. और उसके इस तरीके से जो नॉर्थ में ये ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के लोग जो रूल कर रहे थे उनको हटा दिया. तो एक पार्ट को तो हटा दिया. ओके तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया यहाँ पर, दैट इज़ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर में जाके ये लोग लड़े, ठीक है, ऑस्ट्रियन फोर्सेस के साथ. तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रूप्स की, सोल्जर्स की ज़रूरत थी. तो आप लोग की बुक में जस्ट मेंशन करने के लिए बताया हुआ है कि जिप्सी गारिबाल्डी जो थे उन्होंने बहुत सारे ट्रूप्स भेजे और वॉलेंटियर्स भेजे, क्योंकि उस टाइम पे ऑस्ट्रियन फोर्सेस के साथ लड़ने के लिए बहुत सारे आर्म्ड वॉलेंटियर्स चाहिए थे. ऐसे वॉलेंटियर्स चाहिए थे जो कि हथियार चलाना जानते हो. तो जिप्सी गारिबाल्डी ने बहुत सारे आर्म्ड वॉलेंटियर्स भेजे, ठीक है, ऑस्ट्रियन फोर्सेस से लड़ने के लिए. जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि जो सदर्न रीजन है वहाँ पर बर्बन किंग्स रूल कर रहे थे. बर्बन किंग्स जो थे वो स्पेन से आए थे, ठीक है, वो स्पेन से यहाँ पर आकर बहुत टाइम तक रूल कर रहे थे. तो बेसिकली क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफ़ीट कर दिया तो केवर जो है वो उसके बाद गया साउथ में. केवर साउथ में गया और वहाँ के लोकल पीजेंट्स को उसने मनाया और लोकल पीजेंट्स का उसने सपोर्ट लिया. लोकल पीजेंट्स के सपोर्ट से उसने बर्बन किंग्स को, दैट इज़ स्पैनिश किंग को, वहाँ से भगा दिया. ओके तो पॉइंट नंबर 1 मैंने आप लोग को बताया कि कैसे केवर ने ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर को वहाँ से भगाया. पॉइंट नंबर 2 मैंने आप लोग को बताया कि कैसे
केवर ने बर्बन किंग्स दैट इज स्पैनिश किंग्स को वहां से भगाया। आप लोग की बुक में ये दो ही केसेस मेजरली बताए गए हैं। उसके बाद आप लोग की बुक में बताया गया है कि इस तरीके से जो केवर है उसने सब सारे किंग्स को हटा दिया, जितने भी 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था उन सब के किंग्स को हटा दिया, और लास्ट में 1861 में जो सार्डिनिया पीडमोंट का किंग था, दैट इज इटालियन प्रिंसली हाउस का किंग था विक्टर इमैनुअल टू, उसको पूरे के पूरे इटली का किंग बनाया गया, और इस तरीके से इटली जो है वो यूनिफाई हो गया, राइट। उसके बाद आप लोग की बुक में एक पॉइंट बता रखा है कि इटली जो है वो टोटल यूनिफाई हो गया था, बट उसके बाद भी क्योंकि इटली के लोग जो हैं वो बिल्कुल अनएजुकेटेड थे, इलिटरेट थे, तो उनको पता ही नहीं चल रहा था कि हमारी कंट्री में हुआ क्या, ओके। तो जो जनरल पब्लिक थी उस जनरल पब्लिक को लिबरलिस्ट नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी का पता ही नहीं था, ओके। आप लोग की बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है ब्लिसफुली अनअवेयर। ब्लिसफुली मतलब कि जनरली तो हैप्पी होता है, ठीक है, बट यहाँ पर ब्लिसफुली का मतलब है लैक ऑफ नॉलेज। तो जो इटली के जनरल लोग थे, ठीक है, उनके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इन सब चीज़ों की, और इस लिबरलिज्म की फीलिंग की, नेशनलिस्ट फीलिंग की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो उन लोग को इतना पता नहीं था कि भाई क्या हो रहा है, इटली यूनिफाई हो रहा है ये सब। 18 सेंचुरी से पहले कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था, जितने भी ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश थे, ठीक है, वो एक ही एरिया में रहते थे जिसका नाम था ब्रिटिश आइल्स, ओके। ये आप लोग मैप में देख सकते हैं, इस पूरे एरिया को बोला जाता था ब्रिटिश आइल्स। आइल्स मतलब ब्रिटिश आइलैंड, ठीक है, तो एक पूरा आइलैंड था जहाँ पर इंग्लिश, वेल्श, स्कॉटिश, आयरिश, ये सारे टाइप के लोग रहते थे। उधर कोई भी नेशन स्टेट नहीं बना हुआ था, सिर्फ एक बड़ा सा आइलैंड था जहाँ पर एक मोनार्की रूल करती थी जिसका नाम था ब्रिटिश आइल्स। आइल्स मतलब आइलैंड, यू कैन सी दिस इमेज ऑन योर स्क्रीन। इस पूरे रीजन को बोला जाता था ब्रिटिश आइल्स, ओके। वो जो ब्रिटिश आइलैंड था उसके अंदर सब लोग अपने फॉर एग्ज़ाम्पल कल्चर के बेसिस पर आइडेंटिफाई हुआ करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो हैं इंग्लिश लोग रहते थे, यहाँ पर स्कॉटिश लोग रहते थे, यहाँ पर आयरिश लोग रहते थे। इस तरीके से अलग अलग एथनिक ग्रुप्स जो हैं वो अलग अलग जगहों पर रहते थे ब्रिटिश आइलैंड में, ओके। बट जो इंग्लिश नेशन है, दैट इज़ जो ये वाला पार्ट है, ये सडनली थोड़ा सा बढ़ गया और इसने अपना इन्फ्लुएंस बाकी सारे नेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो है ये इंग्लिश नेशन है, इंग्लिश नेशन सडनली बढ़ गया और इंग्लिश नेशन ने अपना इन्फ्लुएंस जो है वो सारे के सारे नेशंस पे लगा दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर स्कॉटिश रीजन पे भी इंग्लिश लोगों ने अपना इन्फ्लुएंस लगा दिया, थोड़ा आयरिश रीजन पे भी इंग्लिश लोगों ने अपना इन्फ्लुएंस लगा दिया, ओके। उसके बाद 1688 में, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, ब्रिटिश आइलैंड पे मोनार्की रूल कर रही थी, ठीक है, ब्रिटिश आइल्स पे मोनार्की रूल कर रही थी, बट 1688 में ये जो इंग्लिश लोग हैं इन्होंने मोनार्की से पावर छीन लिया और एक इंग्लिश पार्लियामेंट बनाया। जैसे ही उन्होंने इंग्लिश पार्लियामेंट बनाया, वैसे ही उन्होंने अपना एक नेशन स्टेट बना दिया। इंग्लिश लोगों ने अपना एक नेशन स्टेट बना दिया जिसका नाम उन्होंने रखा इंग्लैंड, ओके। तो 1688 से पहले कोई इंग्लैंड नहीं था, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते थे ब्रिटिश आइल्स में, ठीक है, दैट इज इंग्लिश, वेल्श, स्कॉटिश, आयरिश, ऐसे अलग अलग लोग रहते थे, एथनिक ग्रुप्स रहते थे। बट 1688 में इंग्लिश लोगों ने मोनार्की से पावर छीन ली, इंग्लिश लोगों ने ग्रो करा और नेशंस पे और रीजन्स पे अपना जो है इन्फ्लुएंस करा और मोनार्की से पावर छीन लिया, अपना एक अलग नेशन स्टेट बना लिया जिसका नाम था इंग्लैंड, ओके। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में एक एक्ट ऑफ यूनियन हुआ और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने क्या डिसाइड किया कि हम दोनों मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाएंगे। तो ये जो आप रीजन देख रहे हैं, यू कैन सी दिस मैप, ये जो रीजन देख रहे हैं इसको बोला जाता था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। दो पार्ट्स, दैट इज इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था जिसके वजह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बना था, ठीक है। बट जैसे ही यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बना तो इंग्लैंड जो है वो स्कॉटलैंड पे अपना इन्फ्लुएंस चलाता था, इंग्लैंड जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करता था। स्कॉटलैंड के लोगों को, स्कॉटलैंड के सिंबल्स को, स्कॉटलैंड की आइडेंटिटी को, स्कॉटलैंड के कल्चर को, स्कॉटलैंड के इंस्टीट्यूशंस को सप्रेस किया जाता था और जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है उसके पार्लियामेंट में हर जगह सिर्फ इंग्लिश लोगों का ही ज़्यादा हक था। इंग्लिश लोग जो हैं वही उस चीज़ को पूरा का पूरा डोमिनेट करते थे, वही यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को चलाते थे और स्कॉटलैंड को इतनी ज़्यादा अच्छी पोजिशन नहीं दी थी और इंग्लिश लोग बेसिकली बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग थे, ओके।
अब देखो, अब आप लोगों को कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के आइडिया को समझना पड़ेगा, ठीक है। बस आप लोग एक सिंपल लाइन समझ लो कि जो इंग्लैंड के लोग थे, जो इंग्लिश के लोग थे, वो कैथोलिक्स को इतना सपोर्ट नहीं करते थे और प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करते थे। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स जो हैं, ये दो पार्ट्स हैं जिसके अंदर यू नो सोसाइटी डिवाइड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हिंदूज और मुस्लिम्स में डिवाइडेड है, इसी तरीके से वहाँ पर कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स थे। और इंग्लिश लोग जो हैं वो कैथोलिक्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे, वो प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो जैसे ही यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना, वैसे ही स्कॉटलैंड में रहने वाले जो कैथोलिक्स थे, उनको लगा कि भाई अब तो इंग्लैंड भी रूल कर रहा है इधर, तो अब हमको सप्रेस किया जाएगा। इसी तरीके से जितने भी कैथोलिक्स स्कॉटलैंड में हाईलैंड में रहते थे, देखो हाईलैंड, स्कॉटिश हाईलैंड में रहते थे, हाईलैंड एक जगह होती है, यू कैन सी दिस इमेज ऑन योर स्क्रीन। तो जितने भी कैथोलिक्स स्कॉटिश हाईलैंड में रहते थे, उनको बहुत बुरी तरीके से रिप्रेशन सहना पड़ा। ऑफ कोर्स, क्योंकि इंग्लिश लोग रूल कर रहे हैं, तो इंग्लिश लोग जो हैं वो कैथोलिक्स की तरफ बिल्कुल भी मर्सी नहीं करते थे, बिल्कुल भी उनको कैथोलिक्स लोग पसंद नहीं थे। तो इस तरीके से जो कैथोलिक्स लोग हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा रिप्रेशन सहना पड़ा। जो कैथोलिक्स हैं उनको अपनी लैंग्वेज नहीं बोलने देते थे इंग्लिश लोग, और उसके अलावा कैथोलिक्स लोगों को बहुत ज़्यादा रिप्रेशन फेस करना पड़ा इन जनरल। और इसलिए कैथोलिक्स लोग जो हैं वो चाहते थे कि उनको इंडिपेंडेंस मिले, ओके। इसी तरीके से आप लोग की बुक में आयरलैंड की स्टोरी बताई गई है। आयरलैंड भी प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स में डिवाइडेड था। इंग्लिश लोग जो हैं, उन्होंने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स लोगों की मदद करी कैथोलिक्स पे डोमिनेंस पाने के लिए। इस तरीके से आयरलैंड में जितने भी कैथोलिक्स थे वो भी रिप्रेस होते गए, क्योंकि इंग्लिश लोग जो हैं वो प्रोटेस्टेंट्स की मदद कर रहे थे। आयरलैंड में भी कैथोलिक लोगों ने बहुत ज़्यादा रिवोल्ट किया, बट ब्रिटिश लोगों ने वहाँ के जो कैथोलिक्स लोग थे उनको भी सप्रेस कर दिया। उसके बाद 1801 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आयरलैंड को भी ऐड कर दिया गया और एक नया ब्रिटिश नेशन बना जिसका नाम था ब्रिटेन, ओके। अब ये जो फाइनल ब्रिटेन था, इसके अंदर तीन पार्ट्स थे, दैट इज़ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। बट उधर भी सबसे ज़्यादा डोमिनेंस जो था वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के लोगों को था। इंग्लैंड के जो इंग्लिश लोग हैं उन्हीं का ही डोमिनेंस था जब ब्रिटेन बना तब भी, ठीक है। ब्रिटिश फ्लैग उधर रखा गया, नेशनल एंथम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में रखा गया और इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रमोट किया गया, ठीक है। दैट इज़ स्कॉटलैंड और आयरलैंड के पूरे पूरे कल्चर को मिट्टी में मिला दिया, कुछ भी उनका कल्चर नहीं फॉलो किया जाता था और सिर्फ इंग्लिश का ही कल्चर फॉलो किया जाता था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ विजुअलाइजिंग द नेशन। देखो, ये चीज़ आप लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी पढ़ी हुई है लास्ट ईयर। बेसिकली किसी भी नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए फीमेल फिगर्स बनाए जाते थे उस टाइम पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, यू कैन सी दिस इमेज ऑन योर स्क्रीन, इस तरीके का फीमेल का पोर्ट्रेट बना दिया जाता था। अब ये जो फीमेल का पोर्ट्रेट है, ये पूरे के पूरे फ्रांस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब कि पूरे के पूरे फ्रांस को पर्सोनिफाई किया जाता था। किसी भी चीज़ को पर्सोनिफाई करने का क्या मतलब होता है कि वो चीज़, ऑल्दो वो चीज़ नॉन ह्यूमन हो, बट उसके अंदर ह्यूमन बींग्स कैरेक्टरिस्टिक्स लाना। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रही हूं कि रिवर चल रही है, तो रिवर चल थोड़ा सकती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रही हूं टॉय चल रहा है, तो टॉय चल नहीं सकता, बट टॉय के अंदर मैं लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स ला रही हूं, ऑल दो टॉय नॉन ह्यूमन बींग है, ओके। पर्सोनिफाई करने का मतलब होता है किसी भी नॉन ह्यूमन थिंग में लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स लाना। इसी तरीके से बहुत बार नेशन को पर्सोनिफाई किया जाता है, नेशन की पोर्ट्रेट बनाई जाती है, नेशन की एलिगरी बनाई जाती है। अब एलिगरी वर्ड जो है आप लोग बहुत बार पढ़ेंगे, एलिगरी का क्या मतलब होता है, किसी भी आइडिया को कभी भी किसी पर्सन या फिर थिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी भी फीमेल को रेड कलर की कैप पहना देती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल यू कैन सी दिस इमेज ऑन योर स्क्रीन, तो जो रेड कैप है वो हमेशा लिबर्टी को जस्टिफाई करती है, सॉरी लिबर्टी को सिग्निफाई करती है, राइट। अगर मैं बात करूँ ब्रोकन चेन की, तो ब्रोकन चेन जो है वो भी लिबर्टी को सिग्निफाई करती है, राइट। तो एलिगरी मतलब किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एज अ पर्सन या फिर एज अ थिंग एक्सप्रेस करना, राइट। उस टाइम पे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे, जो फ्रांस है उसकी एक एलिगरी बनाई गई थी, एक फीमेल पोर्ट्रेट बनाया गया था फ्रांस का, जिसका नाम रखा गया मैरियन
मैरियन जो है वो उस टाइम पे क्रिश्चियंस में बहुत पॉपुलर नेम था, तो जो फ्रांस है उसका फीमेल पोर्ट्रेट बनाया गया जिसका नाम रखा गया मैरियन, और मैरियन हमेशा रेड कलर की कैप पहनती थी, मैरियन जो है वो हमेशा ट्राई कलर फ्लैग पकड़ती थी, और मैरियन पे एक कोकेट था, कोकेट मतलब कि यू कैन सी दिस इमेज ऑन योर स्क्रीन, फेदर, ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं कोकेट, ओके। तो रेड कैप जो है वो जस्टिस को सिग्निफाई कर रही है, ट्राई कलर ये जो फ्लैग है ये फ्रांस का फ्लैग है। अब ये जो मैरियन का पोर्ट्रेट है ये हर टाइम पे यूज़ होता था, ये एज अ नेशनल सिंबल यूज़ होता था लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप करवाने के लिए, ओके। ये जो मैरियन की पोर्ट्रेट है ये वहाँ पर स्टैम्प्स में लगाई जाती थी, कॉइन्स पे लगाई जाती थी, ताकि जो नेशन है उसकी यूनिटी मेंटेन रहे, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे लोग जो है वो लिबर्टी ही चाहते थे, लोग फ्रीडम ही चाहते थे, जैसे कि आप लोग को पता है, तो इस तरीके से सब लोगों ने मिलाकर ऐसे एक फीमेल पोर्ट्रेट बना दी थी जो कि यही सिग्निफाई कर रही हो, लिबर्टी, फ्रीडम, जस्टिस, यही सारी चीज़ें सिग्निफाई कर रही हो, और ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आए। उसके अलावा जर्मन नेशन के अंदर भी एक फीमेल पोर्ट्रेट बनाई गई थी जिसका नाम था जर्मेनिया। जर्मेनिया जो है वो ओक लीव्स का क्राउन पहनती थी, एज यू कैन सी दिस इमेज ऑन योर स्क्रीन, ओक लीव्स का जो क्राउन है वो हीरोइज्म को सिग्निफाई करता था, ओके। और उसके अलावा जो जर्मेनिया है वो एक तलवार लेके खड़ी थी और फ्लैग लेके खड़ी थी, तो इस तरीके से जो नेशन है उसको पर्सोनिफाई किया जाता था, नेशन की एक एलिगोरी बनाई जाती थी, ओके। मतलब कि नेशन के पूरे आइडिया को एज अ पर्सन या फिर एज अ थिंग एक्सप्रेस किया जाता था, ओके ओके। सो द लास्ट टॉपिक इज नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। ये जो टॉपिक है बहुत ईजी है, सबसे पहले आप लोग को बैल्कान्स एक रीजन है उसके बारे में थोड़ा बहुत बता रखा है, और उसके बाद छोटा सा पैराग्राफ है यूरोप के बारे में वो आप लोग को बता रखा है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म के बारे में बता देती हूँ। नेशनलिज्म मतलब होता है अपनी नेशन के टूवर्ड्स कुछ करने की फीलिंग, ठीक है। उस टाइम पर क्या होता था, जैसे कि मैंने आप लोग को पूरे चैप्टर में बताया, नेशन स्टेट्स का आइडिया था। नेशन स्टेट्स मतलब कि सेम कल्चर के लोग, सेम जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं, सेम ट्रेडिशंस के लोग, उन लोगों को एक साथ मर्ज करना और उनकी एक पूरी कंट्री बना देना, इस चीज़ को बोलते हैं नेशन स्टेट्स। तो उस टाइम पे नेशन स्टेट्स का आइडिया बहुत पॉपुलर था, तो सब लोग चाहते थे कि नेशन स्टेट्स बन जाएं और जो किंग्स हैं वो रूल ना करें, ठीक है। तो नेशन स्टेट्स का आइडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, नेशन स्टेट्स के लिए बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया था, तो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करवाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ऑल इन ऑल आप लोग को ये पता होना चाहिए, एक रीजन के लोग जो हैं वो नेशन स्टेट बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करते थे, और वो नेशनलिज्म की फीलिंग के थ्रू ही होता था। नेशनलिज्म मतलब कि देशभक्ति की फीलिंग, पैट्रियोटिज्म की फीलिंग, ओके, इस चीज़ को बोलते हैं नेशनलिज्म। नेक्स्ट वर्ड है इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म मतलब क्या होता है, जब कोई बड़ी कंट्री जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं वो किसी छोटी कंट्री को रूल करे, इस चीज़ को बोलते हैं इम्पीरियलिज्म, ओके। तो आप लोग की बुक में सबसे पहली सेंटेंस एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि 19th सेंचुरी के अंदर जो नेशनलिज्म का मतलब था वो चेंज हो गया था, ठीक है। 19th सेंचुरी से पहले नेशनलिज्म का मतलब था फ्रीडम, ठीक है, डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट की डेमोक्रेसी आनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए। बट 19th सेंचुरी के बाद जो नेशनलिज्म का आइडिया था वो बिल्कुल चेंज हो गया। 19th सेंचुरी के बाद जो नेशनलिज्म है वो बन गया नैरो क्रीड विथ लिमिटेड एंड्स। नैरो क्रीड मतलब कि उस टाइम पे नेशनलिज्म ऐसा बन गया था कि भाई नेशनलिज्म जो है दैट वॉज बेस्ड ऑन बिलीफ ऑफ सम पीपल, मतलब कि कुछ लोगों के हिसाब से नेशनलिज्म से रिलेटेड कुछ बिलीव्स थे, और वही बिलीव्स जो हैं थोड़े बहुत वही बाकी सारे लोग फॉलो करते थे, ठीक है। बहुत लिमिटेड चीज़ें बच गई थी नेशनलिज्म के अंदर। अब आप लोग की बुक में यहाँ पर दो लाइंस लिखी हुई हैं, दैट इज ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकेम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी में क्या हुआ था कि अलग अलग लोगों के अलग अलग परसेप्शन थे, अलग अलग बिलीव्स थे रिलेटेड टू नेशनलिज्म, राइट। तो क्योंकि अलग अलग नेशनलिस्ट ग्रुप्स के अलग अलग बिलीव्स थे रिलेटेड टू नेशनलिज्म, ऑब्वियसली अगर मैं नॉर्मल बात करूं, ठीक है, अगर नॉर्मल यहाँ पर मैं 3-4 ग्रुप्स रख दूं, उन सबके परसेप्शंस, उन सबके बिलीव्स अलग हों, तो ऑब्वियसली वो लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे। वही हुआ था लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी में, जितने भी नेशनलिज्म के ग्रुप्स थे उन सबके बिलीव्स अलग अलग थे, तो इस रीज़न की वजह से वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, और वो एक दूसरे से रिलेटेड इनटॉलरेंट थे। इनटॉलरेंट मतलब कि वो एक दूसरे को टॉलरेट भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन सबके अलग अलग बिलीव्स थे, राइट।
और उस टाइम पे क्या हुआ, यूरोप ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। यूरोप जो है सिर्फ यही चाहता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पुअर कंट्रीज़ पे रूल करे। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था इंपीरियलिज्म का क्या मतलब होता है, किसी भी पार्ट पे जाके, किसी भी कंट्री पे जाके, किसी भी पुअर कंट्री पे जाके कोई रिच कंट्री जब रूल करती है इसको बोलते हैं इंपीरियलिज्म। तो यूरोप जो है अपने इंपीरियलिज्म के एम्स को पूरा करने के लिए, दैट इज़ यूरोप चाहता था वो मैक्सिमम पुअर कंट्रीज़ पे रूल करे, यूरोप अपने इंपीरियलिज्म के एम्स को पूरा करने के लिए इन नेशनलिस्ट ग्रुप्स में से कहीं कहीं लोगों को भड़काता था, मैनिपुलेट करता था ताकि वो नेशनलिस्ट लोग जो हैं यूरोप का साथ दे और यूरोप फिर जाके छोटी छोटी कंट्रीज़ पे रूल कर पाए। अब आप लोग की बुक में बाल्कन्स के बारे में बता रखा है, बाल्कन की छोटी सी स्टोरी बता रखी है। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि बाल्कन सिचुएटेड कहाँ पर है। देखो ये तो यूरोप का रीजन है और यूरोप के साउथ ईस्ट रीजन में यहाँ पर बाल्कन का रीजन सिचुएटेड था, ठीक है, उस टाइम पे। आज के टाइम पे बाल्कन में रोमानिया, बुल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, सर्बिया, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये सब की सब बाल्कन्स के रीजन में ही सिचुएटेड है, ठीक है। इतना ज़्यादा आप लोग को ज्योग्राफिकल कॉम्पोजिशन नहीं पढ़ना है, बट आप लोग को जस्ट पता होना चाहिए कि इस एरिया में बाल्कन सिचुएटेड है और आज के टाइम पे बाल्कन के अंदर ये सारी कंट्रीज जो है वो प्रेजेंट है। जो भी लोग बाल्कन्स में रहते थे उनको बोला जाता था स्लैव्स, ओके। तो उस टाइम पे, दैट इज़ 1871 के टाइम पे, लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी के टाइम पे बाल्कन्स जो है वहाँ पर ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहा था, ठीक है। बट जो बाल्कन के लोग हैं उन्होंने रोमांटिक नेशनलिज्म की टेक्निक अपनाई। रोमांटिक नेशनलिज्म मतलब कि बाल्कन जो है उसका कल्चर को प्रमोट किया, उसके ट्रेडिशंस को प्रमोट करा। उसके बाद बाल्कन्स के जो लोग हैं उन्होंने अपने पास्ट की हिस्ट्री को बहुत प्रमोट करा, ठीक है। तो कभी भी किसी भी एरिया की पास्ट की हिस्ट्री को प्रमोट करते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने इंडिया के इंडिपेंडेंस की स्टोरी पढ़ी हो तो आप लोग को पता होगा कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाने के लिए इंडिया की हिस्ट्री बताई जाती थी कॉमन लोगों को, ताकि उनको पता चले कि भाई पहले पास्ट में इंडिया जो था वो कितना पावरफुल था, कितना अच्छा था। उसी तरीके से बाल्कन्स के जो लोग हैं उन सब लोगों ने क्या करा, नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करवाने के लिए रोमांटिक नेशनलिज्म का तरीका अपनाया। रोमांटिक नेशनलिज्म मतलब कि सबसे पहले उन्होंने अपने गाने प्रमोट करे, अपना कल्चर प्रमोट करा, लोकल लैंग्वेजेस प्रमोट करी, फोकलोर प्रमोट करा। बाल्कन के जो लोग हैं वो ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंस चाहते थे, तो उन्होंने इसके अलावा भी एक और चीज़ करी, उन्होंने अपने पास्ट की जो स्टोरीज़ हैं, क्योंकि पहले ऑटोमन एम्पायर जब बाल्कन को रूल करता था उससे पहले बाल्कन जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट था, तो बाल्कन ने क्या करा, अपने जो पास्ट की स्टोरी है, पास्ट के इंडिपेंडेंट रहने की स्टोरी है, वो लोगों को बताने लग गए ताकि लोगों के अंदर रोमांटिक नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो। उसके बाद फाइनली ऑटोमन एम्पायर जो है वो बाल्कन रीजन को छोड़ के चला गया और बाल्कन रीजन पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट बन गया। जितने भी बाल्कन के अंदर स्टेट्स थे छोटे छोटे, उसके बाद उन सब छोटे छोटे स्टेट्स में टेंशन डेवलप होने लग गई। जैसे ही ऑटोमन एम्पायर बाल्कन को छोड़ने गया तो वो सब छोटे छोटे स्टेट्स चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा रीजन जो है हमारे अंदर आए, ठीक है। उसके अलावा बाल्कन्स के अंदर एक और प्रॉब्लम हो गई थी, जितने भी बड़े बड़े रीजन्स हैं लाइक रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, वो सब चाहते थे कि क्योंकि अब बाल्कन ऑटोमन एम्पायर से फ्री हो गया है तो हम जाकर बाल्कन के ऊपर अपना कंट्रोल पा लें, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ हो गई थी यूरोपियन पावर्स में, ठीक है, दैट इज जितने भी बड़े बड़े यूरोपियन पावर्स थे उन सब के अंदर बहुत फाइट ऑलरेडी चल रही थी, रिलेटेड टू मिलिट्री, रिलेटेड टू ट्रेड, रिलेटेड टू कॉलोनीज। तो एक तो ये बाल्कन की प्रॉब्लम की वजह से और बड़े बड़े यूरोपियन पावर्स के अंदर वैसे ही फाइट चल रही थी, इन सब रीजंस को मिला करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो बिगिन हो गया, ओके। उसके अलावा अब आप लोग की बुक में, एनसीईआरटी बुक में लास्ट में एक पैराग्राफ दे रखा है जो कि बहुत बच्चों को समझ नहीं आता है, तो मैं आप लोग को समझा देती हूँ। जैसे कि आप लोग को पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बहुत टाइम तक उसके बाद चला, तो उसी दौरान क्या हो गया था कि जितने भी छोटे छोटे कंट्रीज़ को यूरोप रूल कर रहा था उन सब के सब कंट्रीज़ के अंदर एक एंटी इंपीरियल मूवमेंट चालू हुआ। एंटी इंपीरियल मतलब कि इंपीरियलिज्म के खिलाफ, मतलब कि यूरोप जो रूल कर रहा था उसके खिलाफ उन सब छोटी छोटी कंट्रीज़ में मूवमेंट चालू हुआ। जितनी भी कंट्रीज़ पे यूरोप रूल कर रहा था वहाँ पर वो सब चाहते थे कि हमारी कंट्री जो है वो यूरोप के रूल से फ्री हो जाए और हमारी कंट्री का भी एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बने। इस तरीके से वो जो छोटे छोटे रीजन्स थे, छोटे छोटे कंट्रीज थे जहाँ पर यूरोप रूल कर रहा था, उन सब छोटे छोटे कंट्रीज़ के अंदर
बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म के मूवमेंट चालू हुए, वो सब के सब चाहते थे कि हमारा नेशन स्टेट बने। सब कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके से नेशनलिज्म के मूवमेंट चालू हुए, बट उन सबका एम एक ही था कि एंटी इंपीरियल मूवमेंट करना है, इंपीरियलिज्म के खिलाफ फ्रीडम चाहिए और नेशन स्टेट बनना चाहिए। उसके अंदर से एक इंडिया भी था, जैसे कि आप लोग को पता है इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी, तो इंडिया भी इसी तरीके से सीख रहा था कैसे एंटी इंपीरियल मूवमेंट करना है, कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करवानी है। तो ये जो टॉपिक था इसके अंदर सबसे पहले आप लोग को बैल्कन्स के में सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जो कि मैंने आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी है। उसके अलावा आप लोग को थोड़ा बहुत इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वन मार्क में डेफिनेशन पूछ ली जाती है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप ये पूरा वीडियो आप लोग को समझ आया है एंड ये चैप्टर खत्म हो चुका है। नाउ अगर आप लोग के पास कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट है तो प्लीज मेक श्योर टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइक। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। आई रियली वॉन्ट कि ये वीडियो 1000 लोगों तक पहुंचे, 1000 लोग मुझसे ये चैप्टर पढ़े ताकि उन लोग को पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग शेयर करें वीडियो को जितना आप लोग कर सकते हैं। लेट्स एम फॉर 100 लाइक्स एंड 1K व्यूज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।